दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं मेरे हाथ में ये रेडमी का फ़ोन है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है रेडमी 2। तो दोस्तों कई सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि रेडमी 2 का जो है आइडियल मोड कैसे लाया जाएगा, उसका MI अकाउंट हम कैसे अनलॉक करेंगे, UMT डोंगल से या मिरेकल बॉक्स से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है इस मोबाइल का जो है MI अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं UMT डोंगल से, ठीक है। और अगर आपके पास मेडिकल बॉक्स है तो आप मेडिकल बॉक्स से भी इसका MI अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ज़रूरत पड़ेगी आइडियल मोड की, तो आपको आइडियल मोड कैसे लाना है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, आइडियल मोड लाने के लिए आपको इस मोबाइल को जो है इसका बैटरी निकाल देना होगा। बैटरी निकालने के बाद जो है इस मोबाइल का जो है आपको ढक्कन जो है उसे भी आपको रिमूव करना होगा। तो चलिए इस मोबाइल का पहले ढक्कन रिमूव करते हैं हम आपको, और आगे दिखाते हैं आपको कैसे इसका आइडियल मोड लाया जाएगा। तो दोस्तों इस मोबाइल का जो ये जो कवर है, इस कवर को भी आपको निकाल के निकालना होगा। चलिए हमने इस कवर को निकाल दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो SD कार्ड का जो सॉकेट लगा हुआ है, इसके ऊपर में यहाँ पे दो को छोटा सा जो है टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, और इस टेस्टिंग पॉइंट को आपको शॉर्ट करना होगा और तभी आइडियल मोड आएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के जरिए से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आप यहाँ पे देख लें कि जैसे यहाँ पे हमने रेडमी 2 सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है SD कार्ड सॉकेट के ऊपर में जो है यहाँ पे दो को टेस्टिंग पॉइंट है, इन दोनों टेस्टिंग पॉइंट को जो है आपको चिमटी से जो है कंटिन्यू शॉर्ट करना है और बैटरी निकाल करके शॉर्ट करना है। डाटा केबल पहले लगा देना है, ठीक है। डाटा केबल लगा करके चिमटी से कंटिन्यू शॉर्ट करके रखना है, और जैसे आप बैटरी टच करेंगे मोबाइल में ऑटोमेटिकली जो है QD लोडर 9008 आपके डिवाइस मेजर में शो करेगा, और जैसे QD लोडर 9008 आपके डिवाइस मेजर में शो करेगा तो आपको चिमटी जो है हटा देना है, ठीक है, और बैटरी भी आपको हटा देना है। उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि हम जो यहाँ पे QC फायर वाला जो टूल है, UMT डोंगल का QC फायर टूल है, इस QC फायर टूल को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीड एंड टूल में हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। रीड एंड टूल में जाने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीसेट MI अकाउंट यहाँ पे एक बार जो है क्लिक कर देना है आपको, और जैसे यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके जब करेंगे उसके बाद आपको उसी तरह से मोबाइल को बूट कराना जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और जैसे आप मोबाइल को बूट कराएंगे तो आपका मोबाइल को जो यहाँ पे रीडिंग जो है शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मोबाइल को बूट करा दिया है, और हमारे मोबाइल का जो यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है। और अगर आपको कोड देखना है तो आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करके जो है QD लोडर 9008 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये QD लोडर 9008 आपको तभी दिखाई देगा जब आप पोर्ट पर क्लिक करेंगे, डिवाइस मैनेजर के पोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तभी आपको जो QD लोडर 9008 जो है यहाँ पे शो करेगा, और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका मोबाइल जो है आपके सिस्टम से बूट है कि नहीं है। तो आप पोर्ट पर क्लिक करके जो है आप QD लोडर 9008 यहाँ पे जो है देख सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं QD लोडर 9008 यहाँ पे शो कर रहा है, और हमारा जो ये जो मोबाइल जो है ये बूट हो चुका है, और इसका FRP यहाँ पे जो है रीसेट हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।